हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे सेंटेंसेस ऑन वर्ड इंक्रीज। इंक्रीज जिसका मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि या तरक्की। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कभी भी आपको इंक्रीज वर्ड से जुड़े हुए सेंटेंसेस को बोलने से पहले सोचना ना पड़े। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस। तो पहला वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ सेंटेंस देखते हैं। मैं अपनी शब्दावली को बढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई वोकैबुलरी। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई वोकैबुलरी। इसमें आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ, और आप क्या चाहते हैं? टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। तो आप बोलेंगे टू इंक्रीज माई वोकैबुलरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अपनी शब्दावली को दिन प्रतिदिन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। माई बेस्ट मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए? टू इंक्रीज माई वोकैबुलरी, कि मैं अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाऊँ डे बाई डे, मतलब दिन प्रतिदिन। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इंक्रीज माई वोकैबुलरी डे बाई डे। नेक्स्ट, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। द प्राइस का मतलब कीमत, ऑफ एवरीथिंग मतलब हर चीज़ की, हैज़ इंक्रीज्ड मतलब बढ़ गई है। तो होगा द प्राइस ऑफ एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज्ड, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगता है कि मेरा कद थोड़ा बढ़ गया है। तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ क्या, कि माई हाइट मेरा कद या मेरी लंबाई हैज़ बीन हो चुका है क्या बिट इंक्रीज्ड। बिट मतलब थोड़ा या थोड़ी, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ना। तो ये होगा आई थिंक माई हाइट हैज़ बीन बिट इंक्रीज्ड, मुझे लगता है कि मेरा कद थोड़ा बढ़ गया है। उसके वेतन में 10% की वृद्धि की गई है, यानी बढ़ाई गई है। तो होगा हिज सैलरी मतलब उसका वेतन या तनख्वाह वॉज इंक्रीज्ड, बढ़ गई थी, बढ़ाई गई थी, कितना? बाय 10%, 10% बढ़ाई गई थी। तो होगा हिज सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाई 10%। या फिर कर्मचारी वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, होगा द वर्कर्स मतलब कर्मचारी आर डिमांडिंग, मांग कर रहे हैं। आर आया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, वर्कर्स हैं। डिमांडिंग मतलब मांग कर रहे हैं किस चीज़ की? फॉर एन इंक्रीज इन देयर सैलरी, ताकि उनकी सैलरी में वृद्धि हो उसके। तो इसका सेंटेंस होगा द वर्कर्स आर डिमांडिंग फॉर एन इंक्रीज इन देयर सैलरी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी दृष्टि में आपका सम्मान बहुत बढ़ गया है, या मेरी नज़रों में आपका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है। तो उसको बोलेंगे योर रिस्पेक्ट मतलब आपका सम्मान हैज़ बीन इंक्रीज्ड मतलब बढ़ गया है अ लॉट बहुत ज़्यादा इन माई साइट मेरी नज़रों में। तो होगा योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड अ लॉट इन माई साइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपके प्रति मेरा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको आप बोलेंगे माई लव मतलब मेरा प्यार इज़ इंक्रीजिंग बढ़ रहा है फॉर यू आपके लिए डे बाई डे हर रोज दिन प्रतिदिन। माई लव इज़ इंक्रीजिंग फॉर यू डे बाई डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज रहने की या जीवन जीने की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है, मतलब बेसिक चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई है जीने के लिए जो होती हैं। तो उसको हम बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ लिविंग जीने की लागत हैज़ इंक्रीज्ड सो हाई बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट इज बेरोजगारों की संख्या हाल ही में बढ़ रही है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जिसके पास नौकरी नहीं है या बेरोजगारी। नंबर्स संख्या, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इंक्रीजिंग बढ़ रही है रिसेंटली अभी हाल ही में। तो होगा द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इंक्रीजिंग रिसेंटली। या फिर देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या ऑफ द कंट्री देश की इज़ इंक्रीजिंग बढ़ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ इंक्रीजिंग देश की जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट, विज्ञान विषय में मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मतलब माई इंटरेस्ट मतलब मेरा इंटरेस्ट मेरी रुचि इन साइंस, साइंस में एज अ सब्जेक्ट इज़ बीन इंक्रीजिंग बढ़ रही है डे बाई डे मतलब दिन प्रतिदिन। तो इसको बोलेंगे माई इंटरेस्ट इन साइंस सब्जेक्ट इज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे। नेक्स्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये होगा माई इंटरेस्ट मेरी रुचि इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में इज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे, माई इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे। नेक्स्ट, अगर आप बोलना चाहते हैं रुकने की बजाय बारिश और तेज़ हो गई, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग रुकने की बजाय द रेन बारिश इंक्रीज्ड हैविली और तेज़ हो गई। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द रेन इंक्रीज्ड हैविली, मेरी भूख बढ़ रही है माई हंगर इज़ इंक्रीजिंग
माई हंगर इज इंक्रीजिंग, हंगर मतलब भूख और इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है. नेक्स्ट इज उस शहर में अपराध बढ़ गया है, द क्राइम मतलब अपराध, हैज़ बीन इंक्रीज्ड मतलब बढ़ गया है, इन दैट सिटी उस शहर में, द क्राइम हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन दैट सिटी. नेक्स्ट मेरा सरदर्द बढ़ रहा है, कई बार होता है ना सरदर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे माई हेडेक इज इंक्रीजिंग, माई हेडेक इज इंक्रीजिंग, हेडेक मतलब सरदर्द और इंक्रीज मतलब बढ़ना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. So you be get notified of my all new upcoming videos. Thank you so much once.